ज्यादातर इंसानों के घर में सुबह शाम पूजा पाठ तो होता ही होगा। कुछ लोग खुद पूजा पाठ करते होंगे, जबकि कुछ लोगों ने अपने माता पिता या फिर घर के किसी बुजुर्ग इंसान को पूजा पाठ करते हुए देखा होगा। आज मैं आपको जो हकीकत बताने जा रहा हूँ, ये दुनिया के हर उस इंसान को लागू पड़ती है जो अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं। भगवान की पूजा अर्चना करना बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर इंसान को धर्म के अनुसार अपने अपने भगवान की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए। भगवान की पूजा करने से इंसान का मन शांत रहता है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो भगवान की पूजा सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जबकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनमें पूजा पाठ करने का अहंकार विराजमान होता है, और कुछ इंसान ऐसे भी है जो सच्चे और पवित्र मन से भगवान की भक्ति करते हैं। तो चलिए मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। पूजा पाठ का दिखावा करने वाला इंसान। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सुबह शाम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो परिवार के सदस्यों के सामने या फिर किसी अन्य व्यक्ति के सामने खुद के पूजा पाठ का दिखावा कर सके। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर इतने जोर जोर से भगवान के श्लोक बोलते हैं या फिर इतनी जोर शोर से भगवान के गीत बजाकर ऐसा दिखावा करते हैं कि सिर्फ वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। आपने तो सुना और देखा भी होगा कि कुछ लोग बड़े बड़े हवन करवाते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर होता है कि हमने जो हवन किया उसके बारे में न्यूज़पेपर में छपा कि नहीं या फिर टीवी में दिखाया गया कि नहीं। अरे कुछ लोग तो यह भी देखते हैं कि हमने इतना बड़ा जो हवन किया उसके फोटो और वीडियो पर सोशल मीडिया में कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आए। दिखावे की हद तो तब होती है जब कुछ इंसान ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी ने जो हवन करवाया उससे बड़ा तो मैं हवन करवाऊंगा और उसे दिखा दूंगा कि मैं उससे कम नहीं हूँ। कुछ लोग भगवान के नाम पर उपवास करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बारे में सोसाइटी के सभी लोगों को बताते फिरते हैं। मतलब कि सोसाइटी और रिश्तेदारों में अपनी पूजा पाठ का ढंढेरा पीटते हैं, जो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आता है पूजा पाठ का अहंकार करने वाला इंसान। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे क्षण भर में बर्बाद कर सकती है। अहंकार नामक बीमारी जिस इंसान को लग गई वो कभी सुखी जीवन नहीं जी पाता। अब देखते हैं पूजा पाठ का अहंकार करने वाले इंसानों के बारे में। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे क्षण भर में बर्बाद कर सकती है। अहंकार नामक बीमारी जिस इंसान को लग गई वो कभी सुखी जीवन नहीं जी पाता। कुछ इंसानों को पैसों का अहंकार होता है तो कुछ इंसानों को सरकारी नौकरी में मिले ऊंचे पद का अहंकार होता है। कुछ इंसान सत्ता के अहंकार में जीते हैं, जबकि कुछ लोग पूजा पाठ के अहंकार में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान की पूजा करने में भला अहंकार कैसा? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने द्वारा किए गए पूजा पाठ का घमंड होता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में लोगों को यह जताते रहते हैं कि पूजा पाठ के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। पूजा पाठ के अहंकार में जी रहा इंसान ऐसा चाहता है कि लोग सिर्फ उसकी ही सुने और किसी की नहीं। इस प्रकार के इंसान ज्यादा क्रोधित रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे इंसान जब भगवान का नाम भी ले रहे हो तो ऐसा लगता है कि वो भगवान को आदेश दे रहे हैं। पूजा पाठ के अहंकार में जी रहा इंसान लोगों को ऐसा बताता है कि भगवान सिर्फ उसकी ही सुनते हैं और किसी की नहीं। सिर्फ मेरी भक्ति ही सच्ची है, बाकी सब झूठे हैं। ऐसी सोच रखने वाले अहंकारी इंसान दूसरे भक्तों की पूजा अर्चना में बार बार लगातार गलतियां निकालते रहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सच्ची भक्ति करने वाला इंसान कैसा होना चाहिए। ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाले इंसान को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती।
सच्ची भक्ति करने वाले इंसान भोले होते हैं, जिनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। इस प्रकार के इंसान कभी भी पूजा पाठ में गलती करने वाले दूसरे इंसानों पर क्रोधित नहीं होते, बल्कि उन्हें भक्ति की सही राह दिखाते हैं। ऐसे लोग कभी भक्ति का घमंड नहीं करते और ना ही उन्हें अपने ज्ञान का अभिमान होता है। सच्चा भक्त कभी अपनी भक्ति पर शंका नहीं करता। इतना ही नहीं, बल्कि उसे यह विश्वास होता है कि उसकी भक्ति जरूर भगवान देख रहे होंगे। सच्चे भक्त दुख में कभी अपने भगवान को नहीं कोसते और सुख में ना ही वो अपने भगवान को कभी भूलते हैं। सच्चे भक्त जरूरतमंदों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। सच्चा भक्त अमीर गरीब के भेदभाव को नहीं मानता। सुबह उठकर सच्चे मन से भगवान का नाम लेना और किसी का बुरा नहीं करना या फिर किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, यही सच्चे भक्त की पहचान है। सच्चे भक्त का साथ भगवान अवश्य देते हैं। सच्चा भक्त पाप करने से डरता है और जाने अनजाने में यदि उससे कोई पाप हो जाए तो वो बेझिझक उसका प्रायश्चित करता है। सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे इंसानों की बुराई नहीं करता। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों की समझ में जरूर आई होंगी। भक्ति का कभी दिखावा मत करो। यदि आप भक्ति करते हो तो कभी उसका अहंकार मत करो, क्योंकि सच्चा भक्त कभी भी अपनी भक्ति का ढंढेरा लोगों के सामने नहीं पीटता। जरूरतमंदों की मदद करना, यही सच्चे भक्त का धर्म होना चाहिए, क्योंकि दिखावे की भक्ति ज्यादा समय टिकती नहीं है और अहंकार भक्ति करने वाले इंसान को ज्यादा समय टिकने नहीं देता, मतलब कि उसे बर्बाद करके ही छोड़ता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।